हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आई टी वाइब्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो कि रेलवे की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि इसका जो और एक नोटिस है जिसमें कि आपका जो है कॉन्स्टेबल के लिए वैकेंसी इसमें जो है निकाली गई है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये SI का है। तो थोड़ा SI के बारे में, सब इंस्पेक्टर के बारे में वैकेंसी जो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो उसी के लिए बनाई गई है। थोड़ा हम लोग जानेंगे सब इंस्पेक्टर में जो है इसमें कौन कौन इसको अप्लाई कर सकेंगे, क्या क्या इसका में जो है एलिजिबल होना चाहिए। सीधा हम लोग चलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिस RPF 1/24 यहाँ पर 2024 दिया गया है। नोटिस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर बात करेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर का भी और कॉन्स्टेबल का भी ये वैकेंसी निकाली गई। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस है सब इंस्पेक्टर के नोटिस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया गया है यहाँ पे फिर से। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन का, तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 स्टार्टिंग है। क्लोजिंग डेट जो है बात करेंगे हम लोग इसका, तो इसका यहाँ पे 14 मई 2024 को यहाँ पे टाइम दिया गया है। करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको 15 मई जो है से लेके 24 मई तक आपको समय दिया गया है, आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अगर पोस्ट का, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पोस्ट सब इंस्पेक्टर है SI के लिए। और यहाँ पे पे लेवल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7th CPC दिया गया है, लेवल 6 का यहाँ पे। इनिशियल पे यहाँ बात करेंगे तो 35,400 रुपये आपको यहाँ मिलने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज के बारे में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग 1/7/2024 के हिसाब से आपका 20 से 28 साल तक आपका होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर 452 है। और जो यहाँ पे इसमें जो कॉन्स्टेबल के बारे में जो निकाली गई है, इसमें कुछ 4000 कुछ समथिंग इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको भी आपको जो है बहुत जल्द जो है बता देंगे इसी वीडियो के बाद। तो चलिए हम लोग नीचे में, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नीचे जाके जो मेन पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये सब देख लेंगे आप, जनरल इंस्ट्रक्शन है तो ये सब आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे। ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि बहुत ही अच्छा, एक बोला जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहेंगे बिल्कुल अप्लाई करें। और कॉन्स्टेबल में भी है इसका और SI में भी इसका जो वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं SI के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 22-25 ईयर्स यहाँ पे आपको एज होना चाहिए, यहाँ पे मांग के रखा है जो कि SI के लिए है। यहाँ पे कम्युनिटी कैटेगरी में बात करेंगे तो SC एंड ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल का जो छूट जो मिलता है उसको मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का मिलेगा। देन EX सर्विस मैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन था। तो यहाँ पे आपका जो है ये सब आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे चलेंगे एज के बारे में, तो यहाँ पे 20 से 28 साल तक मांग के रखा है। और आपका जो रिजर्व एंड EWS के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2/7/1996, OBC के लिए 2/7/1993, SC ST के लिए 2/7/1991। तो ये सब आप लोग इसको सही से चेकआउट कर लेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ एनेक्सर ए पे हम लोग देखेंगे। नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर बात करेंगे एग्जामिनेशन फी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ी जो है 500 लगेगा अनरिजर्व के लिए। और यहाँ पे बात करेंगे SC ST एक्स सर्विस मैन फीमेल, तो यहाँ पे आपको 250 रुपये यहाँ पे आपको फ़ी लगने वाला है। तो ये सब जो है आप लोग सही से चेकआउट कर लेंगे। फ़ी के बारे में बात करते हैं 500 250 है, जो कि SC ST और EX सर्विस मैन के लिए जो है फीमेल के लिए भी 250 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे नीचे में जो देखेंगे हम लोग क्या दिखे रखा है, ओरिजिनल रिजर्वेशन है। तो सब लोग आप जो है चेकआउट सही से इसको कर लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, सबसे पहले स्टैंड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट तक दिया गया है। टोटल क्वेश्चन आपका 120 रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग नेगेटिव, तो नेगेटिव मार्क यहाँ पे रहेगा रॉन्ग नंबर पे, रॉन्ग आंसर पे आपका जो है नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर रहेगा। फिजिकल इफेंसिस सब आप लोग सही चेकआउट कर लेंगे। अगर इसमें बात करेंगे हम लोग फिजिकल के लिए, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर मेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि टाइम दिया गया है 6:30 है ना। और यहाँ पे बात करेंगे 800 मीटर रन जो होगा ये फीमेल के लिए होगा, और यहाँ पे 4 मिनट समय दिया जाएगा। 6 मिनट का जो यहाँ पे 800 मीटर रन है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहाँ पे 4 मिनट जो है समय दिया जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग जंप जो रहे मेल के लिए यहाँ 12 फीट रहेगा, फीमेल के लिए यहाँ पे 9 फीट रहेगा। हाई जंप 3 फीट 9 इंच रहेगा, यहाँ पे 3 फीट फीमेल के लिए रहेगा।
SC ST के लिए अगर बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे, तो मेल के लिए आप देख सकते हैं रिजर्व EWS OBC के लिए 165 चाहिए यहाँ पे, और बात करेंगे फीमेल के लिए तो 157। यहाँ पे हाई जम्प के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि 3 फुट 9 इंच जो है आप मेल के लिए है। अब नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे SC ST के लिए 160 मांग के रखा है मेल के लिए, फीमेल के लिए 152। और चेस्ट के बारे में बात करेंगे तो 80 और 85 जो है वो आपको जो है सही से इसको चेकआउट कर लेंगे। जो ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए चलेंगे हम लोग से टॉपिक पे, तो ये सब जो है मेडिकल एग्जामिनेशन ये वगैरह ट्रेनिंग वगैरह आप लोग सही से इसको चेकआउट कर लेंगे, और आपको जो है फ़ी 500-250 है, आप लोग सही इसको देख लेंगे और अप्लाई ज़रूर करेंगे। ये दरोगा का है, SI का है, और कांस्टेबल का भी जो है इसी तरह से निकाली गई वैकेंसी, तो उसका नोटिस बहुत जल्द जो है लाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में इसके बाद में, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख के अगर आप इसमें एलिजिबल है तो ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। इसको जाने ना दे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल के एक चीज़ होता है, वही चीज़ है, तो बिल्कुल भी भरने में चुके नहीं। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे लास्ट करेंगे, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आज से इस चैनल पे कुछ दिन कुछ कारण किसी कारणवश जो है इस चैनल पे वीडियो रुक गया था, बट अब से नहीं रुकेगा, क्योंकि अब पल 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 अपडेट देते रहेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ वीडियो देखे कुछ जरूर हेल्प मिला होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।